हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों वेलकम टू चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद अली के संग जैसा कि सरविदित है कि यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 का बिगुल बच चुका है इसी संदर्भ में आज हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रशिक्षण गाइड वर्ष 2021 अथवा चुनाव प्रशिक्षण बुकलेट जारी कर दी गई है उस पर चर्चा करेंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव किस प्रकार संपादित किए जाने की प्रक्रिया अपनाएंगे हम उस पर चर्चा करेंगे तो देखें मतदान कैसे कराना है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब अवश्य करें यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं और एक बात हम इस वीडियो में जहाँ मुख्य चीज़ होगी वहाँ पर कुछ टाइम देना चाहेंगे बाकी को हम आगे को जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ मतदान दल का गठन तो सर्वप्रथम मतदान दल का गठन किया जाता है और उस मतदान के अंतर्गत पीठासीन पीठासीन अधिकारी मुखिया होते हैं जो मतदेय स्थल बूथ का प्रभारी होते हैं और प्रथम मतदान अधिकारी इनका कार्य होता है निर्वाचन नामावली के चिन्हित प्रति एवं अमित शाही का प्रभारी होना और तृतीय तृतीय पॉइंट है द्वितीय मतदान अधिकारी इनका प्रभार होता है प्रभारी होते हैं ये मतदान मतपत्र एवं एरो क्रॉस सील का प्रभारी होते हैं ये और तृतीय मतदान अधिकारी मत पेटी का प्रभारी होते हैं आगे चलते हैं मतदान प्रक्रिया के विभिन्न चरण क्या हैं मतदान दल के गठन के बाद कार्य पोलिंग पार्टियों की रवानगी के दिन के कार्य पोलिंग पार्टियों के बूथ पर पहुंचने का कार्य और मतदान दिवस पर मतदान शुरू होने के पूर्व कार्य मतदान शुरू होने पर किए जाने वाले कार्य मतदान के दौरान आने वाली विभिन्न स्थितियां और मतदान समाप्ति पर किए जाने वाले कार्य पोलिंग पार्टी की कलेक्शन सेंटर पर वापसी किए जाने वाले कार्य ये वो पॉइंट हैं जो हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करने जा रहे हैं अब है हमारा मतदान मतदान दल के गठन के बाद कार्य तो जब मतदान दल का गठन कर दिया जाता है उसके बाद क्या कार्य होते हैं प्रशिक्षण कार्य में प्रतिभा करना जिसमें हम प्रशिक्षण प्राप्त करने होते हैं तभी हम आ, कोई कार्य कर पाते हैं मतदान प्रक्रिया की पूरी जानकारी लेना और किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया होती है बैलेट बॉक्स खोलने सील रखने के तरीकों को सीखना मतपत्र लेखा और पीठासीन अधिकारी की डायरी भरने के तरीकों को सीखना जो एक मुख्य पॉइंट होता है हमारा मतदान समाप्त होने के बाद मतदान सामग्रियों को जमा करने हेतु सामयिक असावधिक लिपापों को तैयार करना यह पॉइंट भी महत्वपूर्ण होता है और पोलिंग पार्टियों की रवानगी के एक दिन पूर्व के कार्य और फोर्थ पॉइंट हमारा पोलिंग पार्टियों के रवानगी के समय किए जाने वाले कार्य तो ये क्या क्या, क्या, क्या? कौन से कार्य होते हैं निर्धारित विकास खंड पर सुबह आठ बजे पहुँचाना होता है डिस्प्ले के माध्यम से आने वाले मतदेय स्थल सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट वाहन आदि का जानकारी प्राप्त वहां कर ली जाती है और निर्धारित काउंटर से जहां हमें पहुंचना होता है मतदेय स्थल पर वहाँ से निर्धारित काउंटर से वो सामग्री प्राप्त कर ले कर लेनी चाहिए और उसके बाद हमें चेक लिस्ट दी होती है उसके अनुसार हमें सामग्री को चेक कर लेनी चाहिए कम तो नहीं है या दूसरे बूथ की तो हमारे पास नहीं आ गई है यह मुख्य मतदान सामग्री और उसके चेकलिस्ट चेक करने का तरीका तो यहाँ हम एक ये प्रारूप दे रखा है तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ हमें मतदान केंद्र और मतदेय स्थल दोनों में अंतर होता है तो यहाँ जैसे मतदेन के मतदेन मतदान केंद्र 20 है और मध्य स्थल ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि मध्य एक मतदान स्थल केंद्र पर कई कई मध्य स्थल मतदान स्थल होते हैं तो इन पर हमें ध्यान रखना होगा आगे चलते हैं। हमें क्या क्या मिलेगा वहाँ से मतपत्र मिलेगा प्रति प्रतिपन मिलेगा जो हमें इस प्रकार के बैलेट मिलेंगे और एरो क्रॉस एरो क्रॉस सील जो वहाँ मतदाता को वहाँ पर इस प्रकार बैलेट पेपर पर पे लगानी होती है स्टाम्प्स यहीं मिलेगी अमित यहीं मिलेगी और पीठासीन अधिकारी की घोषणा पत्र मिलेंगे तीन तरह के मतदान मतदान शुरू होने के पूर्व की घोषणा वाला और द्वित जब द्वितीय मतदान पेटी का प्रयोग करा उसकी उसके मिलेगा और मतदान समाप्त होने की घोषणा उसका मिलेगा और मतदान सामग्री और मतदान टोली के सभी सदस्यों के साथ निर्धारित बस पर बैठना जब हमें ये चीज़ मिल जाएंगे तो हम पूरी टोली के साथ उस पर बैठ जाएंगे गाड़ी में बैठ जाएंगे उसके पश्चात मतदान स्थल पर पहुंचने पर तो वहां हम मध्य स्थल का निरीक्षण करेंगे और कि हमारे एक वोटिंग कंपार्टमेंट बना है या नहीं नहीं बना है तो हमें वहां के जिम्मे प्रभारी से हमें कहना होगा और मतदान मतदाता के आने जाने का रास्ता हमें वहाँ लगा देना चाहिए हमें एक बोर्ड मिलेगा स्लिपसी मिलेगी मतदान कर्मियों के बैठने की व्यवस्था हमें खुद बनानी होगी अगर नहीं है तो स्वयं करनी होगी वहाँ के लोगों के माध्यम से और मतदान सामग्री को पुनः एक बार चेक कर लेना चाहिए यहाँ पर भी हो सकता है कोई चीज़ छूट गई हो तो अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो हम मज, मजिस्ट्रेट से कह सकते हैं इस प्रकार से हमें ये फॉर्म वहाँ भरना पड़ेगा जब हम वहाँ पर आ जाएंगे मध्य स्थल पर आ जाएंगे तो स्वयं को हमें इस प्रकार की ये स्लिप भरनी पड़ेंगी विभिन्न लिपावे पर पर निर्धारित विवरण लिखना हम इस, थर, इस थर पर लिखेंगे जैसा ऊपर दिखाया मतदेय स्थल स्तर पर आवश्यक कभी लेखों को लगाना उसके पश्चात मतदाता सूची होगी जो कि ये भी हमें दीवार पर ही लगानी होती है टांगनी होती है आने जाने का रास्ता हमें लगा देना होता है निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की सूची भी हमें वहां पर टांग देनी होती है और मत या चस्पा कर देनी होती है मतदान पहचान का पंपलेट पंपलेट मिलेगा और वार्ड वार मत पत्रों को रखने के लिए वार्ड का विवरण मिलेगा सेक्टर मजिस्ट्रेट शाम को हमारे पास आएंगे उनको अगर कोई समस्या है कोई कागज कमी है तो हम उनको बता देंगे उसके पश्चात उनका अपना नंबर उनका नंबर ले लेंगे और अपना नंबर उनको दे देंगे कोई परेशानी कोई आती है तो उससे जिससे हमें निपट लिया जाए फिर हमारा मतदे मतदान स्थान दिवस पर मतदान शुरू होने के पूर्व तो जिस दिन मतदान शुरू हो रहा है उससे पहले हमें जल्दी से उठ जाना चाहिए ताकि हमें उस टाइम के सभी कार्य पूरे कर लेने चाहिए सामरिक सूची निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची एवं बूथ को पीठासीन अधिकारी मत पत्र के पीछे लगे सुभेदक चिन्ह के नीचे पूरे हस्ताक्षर करेंगे चिड़ियासी नहीं बैठेंगे सुभेदक होता है हमारे पीतल किसी मोहर की होती है वहां के बूथ के नंबर होती है और नीचे पूरा हस्ताक्षर करेंगे एजेंट की नियुक्ति पत्र 24 होता है उस पर साइन करवाएंगे उनके नियुक्ति पत्र फोटो वगैरह जो भी इसमें निर्देश हैं वो कराएंगे इस प्रकार की हमें मतपेटी सूची मत मत मतपेटी मत मिलेगी और सुबह छः पचास पर अपनी अपनी सीट पर आवश्यक मतदान सामग्री के साथ बैठ जाना होगा एजेंट को मतदाता सूची मतपेटी मत, पेटी, मत पतपत्र का नंबर ग्रेन पेपर सील्ड का नंबर नोट करा देना चाहिए हमें एजेंट को ताकि कोई शक की गुंजाइश ना रहे और मतदान के प्रारंभ होने से पूर्व प्रपत्र ट्वेंटी फाइव पीठासीन अधिकारी की घोषणा हो जानी चाहिए वहां पर और ये प्रतिज्ञा है आगे चलते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें सब्सक्राइब अवश्य करें ठीक <laughs> सात बजे मतदान प्रारंभ हो जाएगा और मतदाता की पहचान ये मह मतदाता की पहचान है जो हम उनसे डलवा सकते हैं ये उनको लाने अनिवार्य हैं भारत निर्वाचन ये मतदाता पहचान पत्र है पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस आयकर पहचान पत्र पैन पैन कार्ड कहते हैं जिसे और स्थानीय निकाय राज्य केंद्र ये लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने राज्यों को जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र उससे हम डलवा सकते हैं और सातमा है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक फोटो युक्त संपत्ति मूल अभिलेख यथा पट्टा और फोटो युक्त किसान बही, फोटो युक्त पेंशन अभिलेख यथा भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक पेंशन भुगतान आदेश वृद्धा पेंशन आदि इनको भी इनके माध्यम से भी डलवा सकते हैं और फोटो युक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र और हमें आ गए हैं फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र महात्मा गांधी राष्ट्रीयकृत ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत फोटोयुक्त जॉब कार्ड और श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड और नंबर सोलह है सांसदों विधायकों विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र संख्या इनका नंबर होता है सत्रह राशन कार्ड इनके माध्यम से हम डलवा सकते हैं और हमें उंगली पर जो अमित शही लगानी होती है इस प्रकार से लगाएंगे जो नखून पर भी आ जाए और उंगली के ऊपर भी पहुंच जाए पत्र जारी करना हम जब वो कोई मतदाता आएगा तो हम उसे पत्र जारी करेंगे उसको मोड़ के देंगे एरो क्रॉस एरो क्रॉस सेल वहाँ रखी होगी और वोटिंग कपाइटमेंट में उनसे जाने का इशारा करेंगे और वो वहाँ पर क्रॉस सेल माहौल लगा देगा जहाँ भी उसकी इच्छा है और उसके बाद वो डाल देगा मतदान के दौरान आने वाली विशेष स्थितियाँ क्या हो सकती हैं निक्षेपित मतपत्र जिसे चैलेंज बोर्ड कहते हैं वो उसकी परेशानी आ सकती है परिस्थिति आ सकती है निविदित मतपत्र टेंडर बोर्ड जिसे कहते हैं इसकी परेशानी आ सकती है और इसके लिए मैं अलग से चैलेंज बोर्ड टेंडर बोर्ड के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा ऐसा तो स्थिरिंग मतदाताओं और आयु के संबंध में मतदाता द्वारा मतदाता द्वारा मत, मत, मत दिए जाने निर्णय और मतदाता द्वारा मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया हम करेंगे ये आगे हम बता देंगे तो इस पर हम जो वीडियो ऐसी लगे कि जिन पर हम वीडियो बना सकते हैं कोई परेशानी आ सकती है तो उस पर वीडियो बना देंगे और आप चाहें तो कमेंट में बॉक्स में लिख सकते हैं अभी लेखे हुए अन्य कार्यवाही आवश्यकतानुसार मतपत्र पर हस्ताक्षर करेंगे हम पीठासीन अधिकारी की डायरी समय समय पर भरना प्रथम मतपेटी के भरे जाने पर की जाने वाली कार्रवाई और घोषणा भाग ट्वेंटी सिक्स भरेंगे हम मतपेटी की तैयारी करेंगे मतदान प्रारंभ हो जाएगा और पाँच शाम पाँच बजे तक लाइन में लगे मतदाताओं को मतदान दिलवाना होगा इसके लिए हमें एक काम करना होता है जो आखिरी टाइम पर आता है पाँच बजे तक आता है हमें गेट लगवा देना चाहिए और जो अंदर होते हैं उनको टोकन दे देना चाहिए उल्टे क्रम में और उन पर मोहर सुबेदक से हमें मोहर लगा देनी चाहिए आगे प्रारूप थर्टी सिक्स मतपत्र लेखा ये महत्वपूर्ण भाग होता है ग्राम पंचायत यहाँ ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगे आगे इसमें देखिए विवरण विवरण है इसमें आपका वरण दिया है मतदान स्थल के पीठासीन पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या यहाँ हम उसका कुल संख्या लिखेंगे किस संख्या से किस तक है उसका क्रमांक लिखेंगे और उपयोग में न लाए गए मत मतपत्रों की संख्या अर्थात जो मतपत्रों को मतदाताओं को नहीं दिए गए हैं हम पहले ही कुछ पर साइन मोहर लगा लेते हैं तो हम जिनको मोहर मतदाताओं को नहीं देते हैं उनकी यहाँ क्रम संख्या यहाँ कहाँ से कहाँ तय है उनकी क्रम संख्या यहाँ लिख देंगे और प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या उसको हम यहाँ लिख देंगे मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्रों की संख्या उनको हम यहाँ लिख देंगे और रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या वे क्रमांक उनको हम यहाँ लिख देंगे जो हमारे रद्द किए गए हैं और निवेदित मतपत्रों की संख्या वे क्रमांक उसको हम यहाँ लिख देंगे और मुद्रक लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या उनको हम यहाँ लिख देंगे नीचे हम मोहर साइन पार्टी की संख्या लिख देंगे पीठासीन अधिकारी की डायरी ये महत्वपूर्ण भाग होता है इसको हमें भरना चाहिए और टाइम टाइम पर इसको अपडेट भी करते रहना चाहिए ये इस प्रकार का प्रारूप होता है हिसाब भरे लेंगे आगे चलते हैं प्रत्येक दो घंटे में पड़े मतपत्रों की संख्या ये डायरी में लिखना होता है पीठासीन पीठासीन अधिकारी को लिखना होता है हर दो घंटे में पीठासीन अधिकारी भी हमसे मांगते रहते हैं तो हमें पहले ही दो घंटे से दो चार मिनट पहले इसको अपडेट करके रखना चाहिए ताकि हम पीठा मजिस्ट्रेट को हम इसकी रिपोर्ट दे सकें और फिर हैं हमारा आगे मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं एवं मतदान करने वाले मतदाताओं का विवरण हमें इसके अनुसार भर लेना चाहिए कि पुरुष महिला योग लिख देंगे इस किस कॉलम में हम और मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या कितने कितने मतदाताओं ने वोट डाले कितनी महिलाओं ने डाले और उनका नीचे योग कर देंगे आगे उनका प्रतिशत लिख देंगे महिला पुरुषों का महिलाओं का और नीचे टोटल करके उनका प्रतिशत लिख देंगे आगे हमारा मतदान के एक दौरान प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं की मतदान स्थल पर सरकारी और सरकारी निजी स्थाई पर उपस्थिति तो हम कहाँ पर हैं उनकी परिस्थिति के अनुसार हमें यह भरना होगा सदस्य ग्राम पंचायत मतदान स्थल के अंतर्गत मज... समस्त वार्डों के लिए सम्मिलित ग्राम प्रधान प्रधान ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य इस प्रकार से हमें ये भरने होते हैं कितने वहाँ लड़ रहे हैं सदस्य ये चार वहाँ पर चार तरह के हमें बैलेट पेपर मिलेंगे जिन्हें कहते हैं मेंबर ग्राम ग्राम सदस्यों को गांव के होते हैं और ग्राम प्रधान के एक और एक क्षेत्र पंचायत और एक जिला पंचायत तो ये तीन स्तर के बजाय चार चार स्तर पर चार तरह के वोट हम उनको देंगे और यहाँ हम उनको यहाँ हम उनकी संख्या लिख देंगे उपस्थिति प्रत्याशी हैं और उनके अभिकर्ताओं के संख्या कितने प्रत्याशी हैं और उनके कितने अभिकर्ता हैं उनकी यहाँ संख्या लिख देंगे आगे चलते हैं ये आगे आपके नेत्रहीनता शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान से ये इन संख्याओं को हम पहले ही भर लेते हैं अगर कभी कभी हमें इसकी ज़रूर पड़ जाती है इन इन पॉइंटों की ज़रूरत पड़ जाती है यहाँ ये ग्यारह और बारह की कभी कभी आवश्यकता पड़ जाती है और ग्यारह ग्यारह बारह तो इस पर हम चौदह जब आखिरी मतदाता ने अपना वोट डाला तभी समय डाला जाएगा इस प्रकार हम इस पर समय डाल देंगे और यदि कोई घटना घटित होती है तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं और मैं कामना करता हूँ किसी के साथ कोई वहाँ स्थल पर कोई घटना ना घटित हो और यहाँ आप लिख देंगे शांतिपूर्ण मतदान संपूर्ण किया गया और ये डायरी में लिख देंगे और इसके पश्चात यहाँ सील लगा देंगे पत्र मुद्रा ग्रीन सील रेखा ये एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है तो ये प्रारूप थर्टी एट पत्र मुद्र लिखा होता है यहाँ पर इसकी संख्या लिखी होती है जो आपको वहाँ सील मिलेंगे उसको क्रमांक संख्या हम यहाँ लिखेंगे उसको यहाँ लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक क्या नंबर है उसको यहाँ मिलेंगे और मत पेटियों में प्रयुक्त मुद्राओं का संख्या जो मत मत पेटी पे हम चस्पा करेंगे उसको यहाँ लिख देंगे कहाँ से कहाँ तक संख्या उनकी और अवशेष जो बच जाती है उनको हम उनका क्रमांक कहाँ से कहाँ तक उनको यहाँ लिख देंगे क्रमांक संख्या एक दो तीन में यदि कोई अंतर हो तो कारण सहित लिखेंगे कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्रमांक एक दो तीन में अंतर हो जाता है उसको कारण यहाँ लिख देंगे ताकि आगे संदेह की स्थिति ना पैदा हो सके और ऐसा में देख, लिफाफे को तैयार करना इस प्रकार के हमें चार तरह के नीला रंग का हल्का नीला रंग और पीला इस प्रकार का गया और गया ये हरा सा मिलेगा और गुलाबी इस प्रकार के चार प्रकार के हमें ये बैल के मिलेंगे हमें ये लिपापे मिलेंगे और ये सावैधिक असावैधिक के अंतर्गत मिलेंगे सांवेदिक लिपापे जो होते हैं वो हमें वो हमें सील करने होते हैं सील बंद करने होते हैं जो असंवैधानिक होते हैं वे हमें सील बंद नहीं करने होते हैं इसमें ये साइज दिया हुआ है मात्रा है और लिपापे का रंग है लिपापे लिपापे पर अंकित नंबर गोले में लिखेंगे यहाँ पर हम तो अप्रयुक्त यहाँ पर है अप्रयुक्त पेपर सील रखने के लिए लिफाफे साइज़ तो यहाँ ये हल्का रंग होगा होगा और इसकी मात्रा होगी एक और लिफाफे पर अंकित नंबर लिखेंगे हम एक तो उस पर एक लिखेंगे हम और निवेदित मतपत्र रखने के लिए लिफाफे जो मिलेंगे वहाँ से चार लेकिन अंकित करेंगे वहाँ पर एक निवेदित मतपत्रों की सूची रखने के लिए लिफाफे का साइज़ वहाँ से चार मिलेंगे और जो भी होगा हम उसको अंदर एक उस पर एक लिख देंगे रद्द अथवा वापस किए गए मतपत्रों के लिफाफा उसका हल्का रंग होगा और मतपत्र लेखा लिफाफा लिपापा साइज उसका हल्का नीला रंग होगा और पेपर सील लेखा का लिपापा साइज उसका भी हल्का नीला रंग होगा और मतदान अभिकर्ताओं नियुक्ति पत्र को रखने के लिए लिपापा साइज़ उसका हल्का नीला रंग होगा इस पर भी एक लिख देंगे पीटा अधिकारी की डायरी रखने के लिए लिफाफा इस पर भी ये हल्का नीला रंग का होगा इस पर भी एक लिख देंगे ये डायरी जो होगी पीटा अधिकारी की हाथ में रखनी होती है और मतदान प्रक्रिया को लग्न करने के के कारण रद्द किए गए जो होगा इस पर हम ये भी हमारे एक होगा हल्का नीला रंग होगा इसका पीटा अधिकारी के उपयोग सादे लिफाफे का साइज़ ये कोई वो नहीं है इसका निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रतियाँ रखने के लिफाफा इसको हम ये गुलाबी रंग का होगा और उपयोग में नए लाए गए पीटेशान अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त मतपत्रों का लिफाफा दो जो हस्ताक्षर युक्त होगा जो कुछ मत मतपत्र होते हैं जिस पे हम साइन कर देते हैं तो उनका अलग बनाना बनाना होगा और उनका पीला होगा उसका उसमें रख देंगे और उपयोग में नए लाए गए मतपत्र रखने के लिए लिफाफा साइज उनका ये बड़ा साइज़ होगा और ये इसका कलर होगा हल्का हल्का पीला उपयोग में नए लाए गए मतपत्र के प्रति रखने के लिए लिफाफा इस इसका भी साइज़ बड़ा होगा और रसीद बहुत संग्रहित धनराशि रखने के लिए लिफाफा साइज़ तो ये हल्का होगा आगे चलते हैं अब आते हैं कलेक्शन कलेक्शन सेंटर पर वापस आकर मतपेटी मतपेटी एवं मतदान सामग्री को जमा करना तो सील हमें क्या क्या वहाँ पर जमा करना होगा एक तो शील्ड मत पेटी का रखनी होगी हमें जमा करनी होगी मत लेखा लिफाफे रखने होंगे ये हमें आपको हाथ में रखने होंगे पीठासीन अधिकारी की डायरी ये भी खुली इसमें कुछ पेटी पे एक डायरी डायरी को अपने हाथ में रखना होगा और मत्र पत्र लेखा लिफाफा जो होगा हमें मत पेटी पे भी लगा देना होगा अपने हाथ पे भी लगा दे रखना होगा सामविक लिफाफा ये हमें तैयार करके अपने हाँ हाथ में रखने होंगे असामवैदिक लिफाफे भी रखने होंगे ये सीधे जमा किए कर कर जाते हैं और अन्य सामग्री में होते हैं ये कबाड़ भरा होता है इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं होती है और संवैधानिक लिफाफा लिफा आठ सामग्रियाँ शेलबंद लिफा में लिफाफे के अंदर रखी जाएंगी ये हमारे सामविक लिफाफे हैं बंद आवरण जिसमें निर्वाचन नावली की चिन्हित प्रति हो और सील बंद आवरण जिसमें प्रयुक्त मतपत्रों की प्रतिपणों के साथ साथ निवेदित मतपत्रों की प्रतिपण प्रतिपण रखे गए हों और शीर बंद आरण जिसमें प्रतिपण सहित ऐसे मतपत्र जो पीठासीन अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित हों किंतु प्रयुक्त न हों ये रखे जाएंगे शीलबंद लिफाफे आवरण जिसमें निवेदित मतपत्रों सहित ऐसे अन्य मतपत्र हों जो प्रयुक्त नहीं किए गए हों और शीलबंद आवरण जिसमें निवेदित मतपत्र और निवेदित मतपत्रों की सूची रखी गई हो और शीलबंद आवरण जिसमें मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किए गए हों शीलबंद आवरण जिसमें अन्य रद, अन्य रद्द किए गए मतपत्र हों और अप्रयुक्त मतपत्रों को रखने के लिफाफे ये हमारे हो गए शीलबंद संवैधानिक लिफाफे हो गए और इनकी संख्या होगी आठ इनको तो हमें शीलबंद किया जाना है और ये महत्वपूर्ण होते हैं असंवैधानिक लिफाफे से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं संवैधानिक सावेदिक लिपा पे और अभी एस किसामवैधिक लिफाफे जो होते हैं ये खुले होते हैं इनमें हमें सील बंद नहीं करना होता है ये इनकी संख्या दस होती है आवरण जिसमें निर्वाचक नामावली चिन्हित प्रति से भिन्न होती है और आवरण जिसमें मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र होते हैं आवरण जिसमें निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र होते हैं शीलबंद आवरण आपत्तिकृत मतों की सूची आवरण जिसमें नेत्रहीन और विकलांग मतदाताओं की सूची आवरण जिसमें निर्वाचक से आयु वाले संबंध वाली घोषणा होती है और आवरण जिसमें आपत्ति किए गए मतों के संबंध में रसीद बही और नकदी यदि रखी हो तो वो भी इसमें आती है आवरण जिसमें अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पत्र मुद्राएं हो शेष पत्र मुद्रा का लिफाफा बिना सील किए हुआ हो पीठासीन अधिकारी की घोषणा संबंधित लिफाफा ये इस प्रकार के दस लिफाफे होते हैं जो हमें असंवैधानिक के अंतर्गत रखने होते हैं अन्य सामग्री जो होती हैं ये हमें एक थैले में अलग उसमें डाल देने होते हैं लेकिन जो पीतल की पीतल की होती है मोहर सी होती है सुभेदक होती है उसको मैन चीज होती है उसको आप खोना देना और कहीं से छोड़ना देना इसके बगैर आप जमा भी नहीं कर सकते अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें सब्सक्राइब अवश्य करें तो ये सांवैधिक असामेधिक के बारे में दिया गया है आप इसकी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें सब्सक्राइब अवश्य करें टेट पॉइंट पाई मोहम्मद सफल धन्यवाद